विश्व पशु कल्याण दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो कि हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन असीसी के सेंट फ्रांसिस का जन्म दिवस भी है जो कि जानवरों के महान संरक्षक थे। इस दिन का आयोजन 1931 ईस्वी परिस्थिति विज्ञान शास्त्रियों के सम्मेलन में इटली के शहर फ्लोरेंस में शुरू हुआ था। इस दिवस का मूल उद्देश्य विलुप्त हुए प्राणियों की रक्षा करना और मानव से उनके संबंधों को मजबूत करना था, साथ ही पशुओं के कल्याण के लिए विश्व पशु कल्याण दिवस का आयोजन करना था। ये एक बेहतरीन दिवस विश्व भर के लोगों का जानवरों के प्रति प्यार प्रकट करने का महत्वपूर्ण दिवस है, लेकिन इस दिन के उजागर होने के पीछे भी कई कारण जिम्मेदार हैं। इन सभी तथ्यों में जानवरों के प्रति प्रकट किए जाने वाले घृणास्पद व्यवहार, आवारा कुत्ते और बिल्लियों के प्रति व्यवहार, उनका अमानवीय व्यापार आदि भी प्रमुख कारण थे। इसके अलावा किसी प्राकृतिक आपदा के समय भी इन जानवरों के प्रति दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था और उनकी सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरती जाती थी। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया भर में करीब 56 अरब जानवरों की हत्या कर दी जाती है और हर सेकंड में लगभग 3000 जानवरों की मृत्यु हो रही है। इसके लिए और कोई नहीं बल्कि मानव ही जिम्मेदार है। जानवरों की हत्या पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार ने PETA जैसे कई कानून बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जानवरों की हत्या करने में एक बार भी नहीं सोचते और न ही डरते हैं। इन लोगों के प्रति सरकार को विशेष कार्रवाई करनी चाहिए और दोषी पाए गए लोगों को दंड दिया जाना चाहिए, तभी हम पशुओं की रक्षा कर सकेंगे। भारत में पशु संरक्षण के मामले को गाय को लेकर मामला बहुत संवेदनशील बना रहता है। गाय का महत्व वैसे तो पूरी दुनिया में काफी है, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो प्राचीन काल से ही पूजा पाठ से लेकर व्यवसाय तक गाय का बहुत ही ज्यादा महत्व रहा है। गाय को गौ माता कहे जाने वाले भारत में गाय की बड़ी क्रूरता से हत्या कर दी जाती है। पिछले कुछ महीनों से गायों की सुरक्षा को लेकर पूरे भारत में जोश की एक लहर देखी गई थी, जिस पर कई राजनीतिक मुद्दे भी उठे, लेकिन पशु क्रूरता की कहानी तो जैसे समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। जबकि हम सभी जानते हैं कि भारत में पशुओं की सुरक्षा के लिए जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम 1966 को लाया गया था। ये जानते हुए भी पशुओं के प्रति क्रूरता निरंतर जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 29 में से 10 राज्य ऐसे हैं जहां गाय, बछड़ा, बैल, सांड और भैंस को काटने और उनका मांस खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बाकी 19 राज्यों में गौ हत्या पर पूरी या आंशिक रोक है, जबकि हमारे देश के आम जनमानस में आम पशुओं के प्रति वो संवेदनशीलता नहीं है जो गायों के प्रति है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम गाय की तरह ही तमाम पशुओं के प्रति संवेदनशील बनना होगा, तभी धरती के आहार श्रृंखला प्रणाली बचा रहेगा जो समस्त जीवों के अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। इस खबर में फिलहाल इतना है।